जब तक कि उसे सभी के लिए न किया जाए, सभी के लिए शिक्षा सरकार की योजना है, लेकिन जब तक हम सभी जागरूक रह करके अध्यापकों का विशेष दायित्व है, अभिभावकों का विशेष दायित्व है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में जरूर भेजें। आज महिला सशक्तिकरण की इस जो संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है, उसमें आपने पधारने के लिए हमें अपनी स्वीकृति प्रदान की, ये अपने आप में ही इस बात का परिचायक है कि आप महिला सशक्तिकरण के कितने प्रबल पक्षधर हैं। शिक्षा जगत में सदैव सकारात्मक सोच के सहारे कार्य किए गए और किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत वर्तमान की ज्वलंत प्रासंगिक समस्या अनुसार अगर कोई बिंदु विद्वत जनों के सामने आता है तो वह है महिला सशक्तिकरण 21वीं शताब्दी की एक चुनौती। साथियों, जब बालिका भ्रूण हत्या की तरफ नजर डाली जाती है तो क्या वह बालिका अपने माता पिता से नहीं पूछती होगी, मेरी हत्या क्यों की जा रही, मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों नहीं इस संसार में आने का अवसर दिया जा रहा है। इसका स्पष्ट उत्तर एक ही है, महिला का असशक्तिकरण होना। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में हम अगर प्रकाश डालें तो यद्यपि आज के युग में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं, हम चाहे हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रपति हमारे महिला हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो भी महिला हैं, सरकार जो चल रही है UPA उसकी प्रमुख भी सोनिया गांधी जी महिला हैं। और यही नहीं, हम हर क्षेत्र में देखते हैं तो महिलाएं अग्रणी, उसके उपरांत भी हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव आज खत्म नहीं हुआ है। जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है वहां महिलाएं सक्षम हैं, जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है वहां आज भी रूढ़िवादिता है, और रूढ़िवादिता की वजह से महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, कमजोर बनाया जाता है। आप सब जो पार्टिसिपेंट्स आए उनको एक जरूर प्लेस रहा होगा कि मैं इस चीज को महसूस करती हूँ जब कभी भी कहीं जाती हूँ देश भर में, और मैं जब अपना परिचय देती हूँ कि उदयपुर में रहती हूँ तो लोगों को लगता है कि अच्छा उदयपुर से आए हो आप, यानी उदयपुर की एक ऐसी अपनी छाप रहती है कि लोगों की इच्छा होती है कि उदयपुर आए। और RUPT द्वारा ये संगोष्ठी के माध्यम से आप लोगों को जो यहाँ आने को अवसर मिला तो आप लोगों को सबके लिए बहुत ही एक अच्छे सुखद अनुभव यहाँ से लेकर जाए। बहुत सारे मुझे बताया 175 पेपर्स का प्रेजेंटेशन यहाँ होना है और बहुत सारी चर्चाएं आप लोग करेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे, और ये सार्थक चर्चा हो आप लोगों की, अच्छा इसमें से कुछ हम लोग निकाल सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। महिला सशक्तिकरण 21वीं सदी चुनौती का जो विषय चुना है निश्चित रूप से ऐसा विषय है जिसपे विचार होना, गहनता से विचार होना और उन पर अमल करना, खाली विचार विमर्श के बाद उन पेपर्स को ड्रम करते हैं उससे तो फायदा नहीं निकलेगा, लेकिन उन पर गहनता के साथ विचार और इम्प्लीमेंटेशन हो। आशा है कि ये गोष्ठी के जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन में सरकार भी मदद करेगी, सरकार की तरफ से भी शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन पर इम्प्लीमेंट